जय हिंद, डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर की तरफ से जो स्काउट गाइड कोटे के अंतर्गत ग्रुप डी की लिखित परीक्षा का जो आयोजन किया गया था उसके आंसर की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं आकाश अकेला, राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर, अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम NER गोरखपुर की तरफ से जो ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की गई थी उसके आंसर की जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली वीडियो में हमने NCR प्रयागराज के ग्रुप सी और ग्रुप डी के आंसर की जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप NCR प्रयागराज के ग्रुप सी और ग्रुप डी के आंसर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन दोनों जगह दे दिया हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हमेशा आपको मिलता रहे। साथ ही साथ प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की जानकारी भी हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से उन सभी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं NER गोरखपुर ग्रुप डी के लिखित परीक्षा के आंसर की संपूर्ण जानकारी। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्काउट गाइड ध्वजगीत की रचना हिंदी में किसने की है? ऑप्शन ए श्री दयाशंकर भट्ट, ऑप्शन बी विक्रम भट्ट, ऑप्शन सी प्रेम शक्कर भट्ट और ऑप्शन डी बेडन पावेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री दयाशंकर भट्ट। दूसरा प्रश्न है, स्काउट गाइड झंडा गीत गाने की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 सेकेंड, ऑप्शन बी 45 सेकेंड, ऑप्शन सी 52 सेकेंड और ऑप्शन डी 30 सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 45 सेकेंड। तीसरा प्रश्न है, कौन से कथन सही है? नंबर एक, इंदौर में भोसले का शासन था। नंबर दो, गायकवाड़ ने पुणे में शासन किया। इसका ऑप्शन ए है केवल वन, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी केवल दो और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल दो, गायकवाड़ ने पुणे में शासन किया। चौथा प्रश्न हमारा है, हिमालय वुडवेज कोर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर एक, को सफलतापूर्वक उन्नत पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कम से कम 10 महीने तक काम करना चाहिए। दूसरा है, उसे NTC द्वारा STC स्काउट के माध्यम से जारी किए गए प्रशिक्षण अध्ययन को सफलतापूर्वक करना चाहिए। इसका ऑप्शन ए है केवल वन, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों एक और दो और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। पांचवा प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी के इतिहास में किसने एक मैच की पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक बनाया है? ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी SSV जायसवाल, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी शुभम गिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी SSV जायसवाल। छठा प्रश्न हमारा है, SLM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल, ऑप्शन बी सेल्फ लीडर मॉड्यूल, ऑप्शन सी सेल्फ लर्निंग मिशन और ऑप्शन डी सेल्फ लर्निंग मीडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल। सातवां प्रश्न है, जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा है चाहे 20 या 80, जो सीखता रहता है वह जवान रहता है, जीवन में सबसे बड़ी बात अपने दिमाग को युवा रखना है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए थोरम, ऑप्शन बी धर्मेंद्रनाथ, ऑप्शन सी लॉर्ड बेडन पावेल और ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेनरी फोर्ड। आठवां प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमित शाह। नवां प्रश्न हमारा है, स्वयं सीखने के मॉड्यूल पर कैंप फायर लीडर्स कोर्स के लिए कौन से कथन सही है? एक नंबर में कैंप फायर का मूल और महत्व क्या है, दूसरा है विभिन्न प्रकार के कैंप फायर, तीसरा है पाठ्यक्रम दिनचर्या और उद्देश्य और चौथा है कैंप फायर कैसे करें। तो ऑप्शन ए हमारा है एक दो और चार, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक तीन और चार और ऑप्शन डी है चारों, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चारों। दसवां प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी पचमढ़ी, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पचमढ़ी। यह जो आंसर की जानकारी दी जा रही है यह हम अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं, आप सभी ऑफिशियल आंसर की को एक बार जरूर देखें। 11 नंबर का प्रश्न है, पचमढ़ी किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी मैकल, ऑप्शन सी महादेव और ऑप्शन डी सतपुरा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सतपुरा। 12 नंबर का प्रश्न है, विश्व कप 2022 पुरुष के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीतने वाला फुटबॉल खिलाड़ी वर्तमान में किस क्लब के लिए खेलता है? ऑप्शन ए PSG, ऑप्शन बी बार्सिलोना, ऑप्शन सी रियल मैड्रिड और ऑप्शन डी चेल्सी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए PSG। 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात लंबाई एवं चौड़ाई क्या है? ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी 2:3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3:2। 14 नंबर का प्रश्न है, स्काउट्स एवं गाइड्स का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए तैयार रहे, ऑप्शन बी सतर्क रहे, ऑप्शन सी तेजी से जाओ और ऑप्शन डी बुद्धिमान बनो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तैयार रहे, बी प्रिपेयर्ड। 15 नंबर का प्रश्न है, एड्स टू स्काउटिंग पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए विजय शंकर, ऑप्शन बी बेडन पावेल, ऑप्शन सी गॉर्ज यूल और ऑप्शन डी विलियम फोर्ड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेडन पावेल। 16 नंबर का प्रश्न है, कैंपिंग और हाइकिंग कोर्स आवासीय मॉड्यूल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एक विशिष्ट कैंप साइट का एक लेआउट प्लान बनाएं, कम से कम 4 गश्ती के लिए कैंप किचन, फायरप्लेस, डाइनिंग, लैट्रिन और टेंट की स्थिति दिखाएं। दूसरा है, भारत स्काउट और गाइड के मूल सिद्धांत। तीसरा है, बताएं कि कैसे और क्यों मौसमी हवा, ईंधन और पानी की आपूर्ति को साइट चुनते समय ध्यान में रखा जाता है। सुरक्षित पानी, स्वच्छता सुविधाओं और आपात स्थितियों के संबंध में क्या देखभाल की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है 3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3। 17 नंबर का प्रश्न है, स्काउट मास्टर्स के लिए एडवांस कोर्स की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन और ऑप्शन डी 7 दिन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 दिन। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लॉन टेनिस महिला खिलाड़ी
सानिया मिर्जा ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत किस शहर से की थी? ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी पेशावर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। 19 नंबर का प्रश्न है, CNC का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त, ऑप्शन बी मुख्य राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय परिषद के आयुक्त और ऑप्शन डी नाभि महाविद्यालय के प्रमुख। ऑप्शन ए मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त सही आंसर है। अब हमारा 20वां प्रश्न है, ICC महिला T20 विश्व कप फाइनल 2023 किस स्थान पर खेला गया? ऑप्शन ए डरबन में, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी कैप टाउन और ऑप्शन डी प्रिटोरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैप टाउन। 21 नंबर का प्रश्न है, गोवा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र और ऑप्शन डी उत्तर पूर्व क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र वेस्टर्न रीजन। 22 नंबर का प्रश्न है, कब मास्टर स्काउट मास्टर रोवर स्काउट लीडर के लिए असाधारण मामलों में शैक्षिक योग्यता से छूट कौन दे सकते हैं? ऑप्शन ए जिला आयुक्त, ऑप्शन बी जिला मुख्य आयुक्त, ऑप्शन सी सहायक आयुक्त और ऑप्शन डी राज्य के मुख्य आयुक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य के मुख्य आयुक्त। 23 नंबर का प्रश्न है, बेसिक कोर्स इकाई नेताओं को 7 दिनों के लिए डे कोर्स या वीकेंड कोर्स के रूप में भी आयोजित किया जा सकता है, जिसमें कितने रात रहना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 3 रात, ऑप्शन बी 5 रात, ऑप्शन सी 7 रात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर की जानकारी में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हमारे ख्याल से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 5 रात होनी चाहिए। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय स्काउटर एवं गाइडर संगोष्ठी 1970 में कितने राज्य संघों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 15 राज्य, ऑप्शन बी 5 राज्य, ऑप्शन सी 10 राज्य और ऑप्शन डी 20 राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 राज्य। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रथम वेतार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 1970 में 11 आवर्तियों ने भाग लिया तथा कितने सफल घोषित किए गए? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी मैं श्योर नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 11। 26 नंबर का प्रश्न है, 7वां राष्ट्रीय जम्बूरी फरीदाबाद 1974 में 16 देशों के स्काउट्स और गाइड्स के दलों का प्रतिनिधित्व हुआ, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालदीव। 27 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1974 में 7वें राष्ट्रीय जम्बूरी फरीदाबाद के समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उनका जन्म वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1912 और ऑप्शन डी 1927। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1917। 28 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोरखपुर। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 18वां राष्ट्रीय जम्बूरी 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पाली,
ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी बीकानेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाली। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए 4 जनवरी 2022 को, ऑप्शन बी 5 जनवरी 2023 को, ऑप्शन सी 5 मार्च 2023 को और ऑप्शन डी 4 जनवरी 2023 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 जनवरी 2023। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म स्थल राज्य है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। 32 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2004 में पर्यावरण पर स्काउट का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूएई। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7वें एसएएफ स्काउट मैत्री शिविर 2009 में भाग नहीं ले सका। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी म्यांमार। 34 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 8 सितंबर और ऑप्शन डी 14 सितंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 जून। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 129 और ऑप्शन डी 110। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 129। 36 नंबर का प्रश्न है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। 37 नंबर का प्रश्न है, सेठ किरोडीमल ट्रस्ट ने पचमढ़ी में राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रशासनिक ब्लॉक की स्थापना के लिए कितनी राशि दान की। ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 45,000 रुपये, ऑप्शन सी 1,00,000 रुपये और ऑप्शन डी 75,000 रुपये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 45,000 रुपये। 38 नंबर का प्रश्न है, कब और बुलबुल आयु वर्ग के लिए इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए 10 से 17 वर्ष, ऑप्शन बी 17 से 25 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 10 वर्ष और ऑप्शन डी 1 से 5 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 से 10 वर्ष। 39 नंबर का प्रश्न है, स्काउटिंग की आधिकारिक तौर पर भारत में स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी 1915। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1909 में। 40 नंबर का प्रश्न है, बनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, सुझाया गया आयु समूह 2 से 5 वर्ष है। दूसरा, आदर्श वाक्य है मुस्कुराते रहो। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। ये थे एनआर गोरखपुर की तरफ से जो ग्रुप डी की लिखित परीक्षा का जो आयोजन किया गया था उसके आंसर की सही जानकारी।
साथ ही साथ निबंध में क्या प्रश्न पूछे गए थे इसकी जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं। निबंध में था, स्काउटिंग में ड्रिल से आप क्या समझते हैं तथा इसके क्या लाभ हैं, या स्काउटिंग में उपयोग किए जाने वाले सीटी संकेत और हाथ के संकेतों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।